जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। एआरटीओ ऑफिस में जिला प्रशासन का छापा। एडीएम नमामि गंगे के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों ने मारा छापा। एबीवीपी कार्यकर्ताओं के द्वारा एआरटीओ सौरभ कुमार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की गई शिकायत। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने एआरटीओ विभाग के पहले भ्रष्टाचार को लेकर डीएम से की थी शिकायत। डीएम चांदनी सिंह ने पूरे मामले में दिलाया था जांच का भरोसा। डीएम ने त्रिस्तरीय जांच कमेटी का किया था गठन। जांच समिति ने एआरटीओ विभाग में औचक किया निरीक्षण। मौके से एआरटीओ परिसर के विभाग की दीवार फांद कर भागे दलाल। उरई के आरटीओ ऑफिस का मामला। इस वक्त फोन लाइन पर जालौन मेट्रो कंसल्टिंग एडिटर देवेश स्वर्णकार हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। हाँ तो देवेश जी, बताएं क्या है पूरा प्रकरण। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक पिछले कुछ दिनों पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी जालौन डॉक्टर चांदनी सिंह को एक ज्ञापन सौंपा था और उन्होंने आरोप लगाया था उप संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में दलालों का बोलबाला है और भ्रष्टाचार चरम पर है। जिलाधिकारी जालौन डॉक्टर चांदनी सिंह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया था कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और उन्होंने इसके लिए बकायदा 3 सदस्यीय समिति का गठन भी किया था और जिसको जांच की रिपोर्ट प्रेषित करने को कहा गया था। तो आज जिलाधिकारी जालौन के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी के साथ जो है प्रशासनिक अधिकारियों ने वहां पर छापा मारा है। छापेमारी के दौरान वहां हड़कंप मचा हुआ है और अगर स्थानीय सूत्रों की हम माने तो जो प्राइवेट दलाल वहां काम करते थे वो एआरटीओ कार्यालय की दीवार फांकते नजर आए। फिलहाल अभी भी छापेमारी जारी है और जैसे इस बारे में पूरा अपडेट होता है, क्योंकि इस संबंध में हमने जब नमामि गंगे अपर जिलाधिकारी से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा अभी कार्रवाई जारी है, कार्रवाई समाप्त होने के बाद आप लोगों को बकायदा अवगत कराया जाएगा कि इस पूरे प्रकरण पर क्या कार्रवाई की है और क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं।